वो महान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा है, उसकी करुणा सदा है। जब हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे हालेलुया पड़ोसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है और साथ साथ उत्तर भी देते हैं। एक जगह में प्रार्थना चलेगा, दूसरे जगह में हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया काम, और साथ साथ हमको परमेश्वर का उत्तर भी मिलते हैं। इस दिनों में हम उसी बातों को हम देख रहे थे, परमेश्वर के हजूर में हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के हजूर में हम वचन सुन रहे थे, हम आराधना कर रहे थे, जो कुछ हम मांग रहे थे उससे भी बढ़कर, उससे भी अधिक परमेश्वर महान काम कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके सामने हालेलुया पुराने नियम और नया नियम का एक ही बातों को हालेलुया आपके सामने लेकर आकर परमेश्वर के कामों के बारे में, हमारे प्रार्थना का, हमारे आराधना का, हमारा स्तुति का, हमारा हालेलुया परमेश्वर के हजूर में हालेलुया हम बिताते हैं समय, व्यस्त नहीं है। ये बात आपको सामने में लेकर आने के लिए मैं चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के साथ बैठे प्रभु इस वचन के आधार पर आप उसे वचन कर, प्रभु आज का वचन मेरे लिए होवे, आज तुझसे कुछ पाकर, अनुग्रह पाकर, आनंद पाकर मैं घर में जाने के लिए चलता। हालेलुया, आइए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 38 अध्याय। हम अच्छा तरह जानते हैं पहला से लेकर पांच तक यशायाह नबी की किताब 38:1-5 हम अच्छा तरह जानते हैं हिजकिया के बारे में। हम अच्छा तरह जानते हैं, हम कई बार प्रचार भी किया है, हम प्रचार भी सुना है, हम कई बार पढ़ा है, सब कुछ है। आज पवित्र आत्मा और कुछ बातें इस वचन से और कुछ बातें हमसे बताने के लिए चाहता है। यदि हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हजूर में बैठे तो जरूर हम कुछ पाकर जाएंगे, हम हालेलुया अनोखा काम हम देख कर जाएंगे, परमेश्वर से हम हालेलुया अनुग्रह आशीष कृपा पाकर हम जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है वह हमारा परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सच्चे जीवित परमेश्वर है। इसलिए प्रार्थना के साथ बैठिए, पढ़ लीजिए। बीमारी के ओर से
तीन सिचुएशन में पक्का हो गया आगे विच्छेदन नहीं है, आगे कोई उम्मीद नहीं है। मेरे आंसू जहां हमारे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, हम इस दिनों में फास्टिंग के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हम फास्टिंग लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, अभी ये बात है अपने के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे जीवन में कई बातें हैं, कोई उम्मीद नहीं होते हैं, बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दिया अवस्था ऐसा है, मेडिकल रिपोर्ट बोलता है इस बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है, जल्दी से जल्दी हालेलुया तुम इस दुनिया पर छोड़कर चल जाएगा। इधर हम पढ़ने के वक्त में मरण का बीमारी आ गया, मौत का बीमारी आ गया, मौत का बीमारी आ गया, इसके शरीर में अनुभव हो रहा है मैं मरने पर है, उसके शरीर पर अनुभव हो रहा है। पर हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे हैं, हालेलुया, बीमार आते हैं, मरने का आता है। एक सेकंड थिंग, यहोवा परमेश्वर ने उसको पक्का कर दिया तुम मर जाएगा, कोई उम्मीद ना रख, कोई उम्मीद ना रख, तुम तो मर जाएगा, आगे जीने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तुम तो मर भी जाएगा। तीसरी बात है, वही बात भविष्यवक्ता ने आकर बोल रहा है, बस तुम्हारे घर के सारे बातों को क्लियर कर दे, तुम मर जाएगा, तुम मर जाएगा। हालेलुया, मेरे आंसू, उम्मीद देखने के लिए कहीं भी कोई भी अवस्था नहीं है। हमारे जीवन में कई बार एक बात आता है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया, जहां भी जाए सारे जगह में हालेलुया बंद है, हालेलुया कुछ भी काम करे, हालेलुया कितना भी कोशिश करे, कितना भी मेहनत करे, कोई उत्तर की नहीं होता है। कितना भी हालेलुया परिवार को हालेलुया खुश रखने के लिए, परिवार को तंदुरुस्ती के लिए, परिवार को बहुत कुछ हम मेहनत करते हैं, फिर भी जीरो में हम पहुंचते हैं। हालेलुया, इधर भी वही बात है, कोई उम्मीद नहीं है। तीन जगह से हालेलुया अपने पक्का कर दिया तुम मर जाएगा। तेरे असो हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो प्रार्थना करता है उसका प्रार्थना व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया, जो प्रार्थना करता है उसका प्रार्थना व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया, हम प्रार्थना करने के लिए अवस्थाओं को देखकर नहीं है, हालेलुया हालतों को देखकर नहीं है, सिचुएशन को देखकर नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट को देखकर नहीं है, हमारा परमेश्वर के सन्मुख में हम प्रार्थना करने के लिए हम तैयार है, तो परमेश्वर हमारा अवस्था को बदलेगा। हालेलुया, उसका दूसरा और तीसरा आयत पढ़ना, जब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जाकर चलता आया हूँ, और जो दिन दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, अवस्था और इसके अंदर प्रार्थना, अवस्था एक साइड है, इसके अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी तेरी योजना सब कुछ क्लियर है, सही है, फिर भी मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करने करना, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं जीना है। हालेलुया, मेरे जीवन को मौत के सामने हालेलुया झुकने के लिए मैं तैयार नहीं है। हालेलुया, मेडिकल साइंस के बोली से, हालेलुया मेडिकल साइंस जो फाइनल किया है उसके हालेलुया आधार पर मैं आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये विश्वास करता हूँ तू जीवित परमेश्वर है, जो हालेलुया मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तू मुझे जीवित कर सकता है। हालेलुया, प्रार्थना किया इसके अंदर प्रार्थना किया, मेरे आंसू हमारे जीवन में हालेलुया अवस्था को देखकर हम चुप नहीं रहना, हालेलुया प्रार्थना करना। एक शहर में हम प्रार्थना करें तो दूसरे शहर में परमेश्वर का महान काम हमको जीव हमारे जीवन में हमको देखने के लिए मिलेगा। हालेलुया, इधर बैठे हुए लोगों से हालेलुया आपने किसके लिए प्रार्थना किया है, उसके वो क्या क्या हो गया है आपसे हालेलुया गवाही बताने के लिए बताए, तो आपने बहुत 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 बातें आपके जीवन में प्रभु ने किया हुआ बातों को वर्णन करने के लिए आपके पास है। हालेलुया, आपके पास है, आपके पास है,
मैं विश्वास करता हूं आपके पास है, मैं जानता हूं आपके पास है। हिजकिय्याह भी ये प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के वक्त में परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया। हालेलुया। सिचुएशन देखकर ये नहीं देख बोलना मेरे मत्था में ऐसे लिखा है, मेरे किस्मत की बात है, मैं क्या बोलूं, ऐसे ही है, ऐसे ही होगा। नो नेवर। हालेलुया। किस्मत की कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया। बाइबल में किस्मत का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के सरों में हालेलुया परमेश्वर की इच्छा की बात है। हालेलुया। इधर इसके लिए प्रार्थना किया, पढ़ो जी। और देखो प्रार्थना हो गया, प्रार्थना हो गया, काम शुरू। प्रार्थना एक साइड में शुरू हो रहा है, काम एक और जगह में हो रहा है। पढ़ो जी। जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। आमेन। हालेलुया। काम शुरू हो गया, प्रार्थना किया, हालेलुया काम शुरू हो गया। कितना बड़ा हालेलुया। भविष्यवक्ता आकर आपसे बोलेंगे आपके जीवन में ऐसे ऐसे होने वाला है, आप प्रार्थना करें तो। यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो हालेलुया अवस्था को बदलने के लिए मेरे परमेश्वर हालेलुया तैयार है। आमेन। आमेन। कितने विश्वास करते हैं हालेलुया अवस्था को परमेश्वर हाले बदलेगा। आमेन। अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितने बड़ा भविष्यवक्ता आकर के आप ही भविष्यवाणी बोले आपके हाले गिराव आपके नुकसान के बारे में। यदि आप हालेलुया दिल टूट कर हालेलुया घुटने टेक कर परमेश्वर को दुहाई देने के लिए आप और मैं चाहते हैं तो परमेश्वर अवस्था को बदलेगा। हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना किया, इसके लिए क्या प्रार्थना किया? हालेलुया परमेश्वर तेरे समूह में मैं कैसे चला याद तक। हालेलुया। काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। क्या काम शुरू हो गया? हालेलुया। जिस भविष्यवक्ता ने बोला वही भविष्यवक्ता के पास जाकर बराबर में उस भविष्यवक्ता से ही यहां परमेश्वर ने बोला जाकर बोला प्रार्थना का उत्तर। हालेलुया। भविष्यवक्ता कुछ भी नहीं जाना, भविष्यवक्ता का पता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है। हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास चलेगा, हमारे अवस्था का प्रभु बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपका अवस्था को बदलने के लिए? क्या आप चाहते हैं आपका अवस्था को बदलने के लिए? तो प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो तो आपके अवस्था को परमेश्वर बदलेगा। इधर हालेलुया कमरे के अंदर प्रार्थना, कमरे के अंदर दीवा की ओर देखकर प्रार्थना चल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। बाहर गया हुआ भविष्यवक्ता से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। परमेश्वर ने क्या बोला? आगे बढ़ो जी। उत्तर जो प्रार्थना का उत्तर, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा प्रार्थना है, 15 साल, 15 साल मिल गया। हालेलुया। एक छोटा प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में अपने समर्पण करके प्रार्थना है। 15 साल परमेश्वर ने उसके आयु को बढ़ा दिया। आप हमारे अवस्था को देखकर मेडिकल साइंस जो बोलते हैं उसको देखकर, योग क्या बोलते हैं उसको देखकर हम हालेलुया घबराना नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने के लिए यदि हम तैयार हैं तो जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरे जगह में परमेश्वर काम करना शुरू करते हैं। आमेन। आमेन। हालेलुया। जब हालेलुया कमरे के अंदर प्रार्थना चल रहा है, हालेलुया परमेश्वर का आत्मा का हालेलुया बात करना शुरू किया। जिस हालेलुया नबी से बोला वही नबी से बोला, देखो मैंने उसका प्रार्थना सुना है। नबी ने नहीं सुना, परमेश्वर ने सुना। नबी ने नहीं देखा उसका आंसू, परमेश्वर ने उसका आंसू देखा। नबी ने कुछ भी नहीं सोचा, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना के बारे में सोचा। मेरे आंसू आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। कमरे के अंदर हालेलुया आप रोते रोते आपका आंसू बहाते बहाते जो कुछ आप प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला उधर? हालेलुया तुम्हारा प्रार्थना को मैं सुना, तुम्हारे आंसू को मैं देखा है। प्रार्थना करने के वक्त में हम कल हालेलुया परसों हम यही बात पढ़ रहे थे। हालेलुया यहोशाफात ने रो रो कर हालेलुया परमेश्वर के हजूर में प्रार्थना किया। उस प्रार्थना को
परमेश्वर ने कबूल किया, वैसे ही इधर हिजकिया भी परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कबूल किया। हालेलुया। क्या आपका प्रार्थना परमेश्वर कबूल करना है तो उसके साथ हालेलुया प्रार्थना के साथ थोड़ा सा और करें, वो है आंसू। हालेलुया आंसू बहा बहा कर जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया महान काम करते हैं। हम आगे हालेलुया उस आंसू बहाते हुए प्रार्थना का उत्तर हम गवाही के तौर से हम सुनेंगे। हालेलुया हमारा परमेश्वर सुनाएगा। हालेलुया हालेलुया। उत्तर क्या है? एक छोटी प्रार्थना। हालेलुया उसके जीवन में बड़े बहुत बात होना था। तुम्हारे बिछड़ नहीं है, मौत का बीमारी है, तुम मर जाएगा मर जाएगा। हालेलुया कई बार हमारा मन में ऐसे आता है बस हम इस बीमारी की वजह से हम मर जाएंगे, इस बीमारी आए तो कई लोग मर गया हम भी मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, इस अवस्था है तो कई लोगों ने मर गया हम भी मर जाएंगे। मेरे आशीषों यदि प्रार्थना करने के लिए आपके दिल है हालेलुया आपके दिल में परमेश्वर के प्रति विश्वास है, प्रार्थना करने के लिए घुटने हैं, आंसू बहाने के लिए आंखें हैं, तो परमेश्वर अवस्था को बदलेगा। हालेलुया परमेश्वर अवस्था को बदलेगा। हालेलुया कैसे? हमारे प्रार्थना के जरिए। हम एक जगह में प्रार्थना करें तो दूसरा जगह में परमेश्वर हमारा अवस्था को बदलेगा। हालेलुया एक दो दिन नहीं है, एक दो दिन नहीं है 15 साल। हालेलुया इसके आगे जीवन में परमेश्वर ने एक हालेलुया प्रार्थना से 15 साल बढ़ाया। मेरा आपके मेरे हालेलुया जीवन में प्रार्थना का कमी से हमारा आयु कम हो जाएगा। हमारे जीवन में हालेलुया कई बार परमेश्वर ने हालेलुया हमारे जीवन के जरिए महिमा लेने के लिए चाहते हैं, हम प्रार्थना करते नहीं है। हालेलुया हम सोते रहते हैं, हम परमेश्वर के हालेलुया हजूरी से दूर चल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर जैसे जैसे हालेलुया अपना महिमा हमारे जीवन में लेने के लिए चाहते हैं वो नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और एक व्यक्ति के बारे में हालेलुया हमें बताने के लिए चाहते हैं, हम फास्टिंग ये है हमारे लिए हमारा बाहर बच्चों के लिए हालेलुया हमारे पड़ोसी के लिए हमारे परिवार के लिए हम फास्ट लेते हैं। एक हालेलुया व्यक्ति है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करने में प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख में प्रार्थना किया। हालेलुया चमत्कार हालेलुया उसी वक्त में हो गया, वो देखने में देर लग गया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं और आप हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम बहुत रोते हैं रो रो कर हमारे बच्चों के हालेलुया चंगाई के लिए छुटकारा के लिए अनुग्रह के लिए तरक्की के लिए हम हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं। मेरे आंसू को कितने माँ हालेलुया इधर हालेलुया कितने पेरेंट्स बैठे हैं माँ बाप बैठे हैं उनसे मैं बताने के लिए चाहता हूँ आपके बच्चों के लिए आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। यदि विश्वास के साथ परमेश्वर के हजूरी में आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपका प्रार्थना तो ग्रहण करेगा, आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं। हालेलुया यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4:46 यूहन्ना का सुसमाचार 4:46 यूहन्ना का सुसमाचार 4:46 हालेलुया। गलील विच आया है तो उसने उदे कोल जाके मिन्नत की जो आण के मेरे पुत्र नु चंगा करे क्योंकि वह मराऊ है। तद यीशु ने उनको आख्या सो तुसी विशाल अते चर्च कम ना देखो तां प्रतीत कदे ना करोगे। मुसाफिर ने उनको आख्या प्रभु जी तुसी मेरे निकट दे मरण तो अगे ही चलो। तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वह राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आया है उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चंगा मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और
विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस पुरुष ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीत की और चला गया। वो बात नहीं था कि उसने दास आए और उससे आए और मिलने पिलके कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल सातवें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। आमेन, 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 आमेन। इधर एक बाप है अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर। हम कई बार हमारे बच्चों के लिए फास्टिंग रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और कुछ हाले लिया परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर के कामों को हम देखते हैं। हालेलुया। इधर एक हालेलुया राजा का हालेलुया सेवक है, सेवक का बेटे को बुखार हो गया, ज्वर हो गया, हालेलुया बुखार बहुत ज्यादा हो गया, हालेलुया आगे जीने का कोई उम्मीद नहीं है, हालेलुया वो भी मौत के हालेलुया हालत में है। फिर आज कई बार हालेलुया उसका 46 पढ़ना। तो वो फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वो राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है उसके पास गया और उसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। वो मरने पर है। कई बार हमारे बच्चों के हालत स्वभाव चाल चलन मुर्दा के जैसे होते हैं, पाप में हो जाते हैं, पाप में फंसे होते हैं, हालेलुया संतति में फंसे होते हैं। हालेलुया हम प्रार्थना के लिए तैयार है तो माँ बाप हालेलुया प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो हालेलुया हमारे बच्चों के स्वभाव को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया हमारे बच्चों का स्वभाव परमेश्वर बदलेगा। हमारे हालेलुया बच्चे हालेलुया कई बार बीमार हो जाते हैं, हम बोलते हैं बस बच्चा को उसने जादू टोना किया, उसने कुछ खिलवाया, उसने वो किया ये किया। पहला हालेलुया कोई भी जादू टोना करे, कोई भी कुछ करे, हालेलुया उन्होंने जो कुछ सीखा वो कर रहे हैं। आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? आपने प्रार्थना करने के लिए सीखा है तो आप प्रार्थना कर कर उसमें जीवित होना है। हालेलुया, हालेलुया। आप उन्होंने तंत्र मंत्र किया है, जादू किया है, उस जादू का वर्णन करने के लिए नहीं है। मेरे बच्चे के ऊपर उसने जादू किया है, उसने मेरे बच्चे का बाल काट कर लेकर गया, कपड़ा काट कर लेकर गया, कापी लेकर गया, वो किया ये किया, उसका वर्णन करने के लिए नहीं है। उसका वर्णन हालेलुया जो उसको विश्वास करते हैं वो करने दो। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे बच्चे के ऊपर कोई हानि ना हो। हालेलुया मेरे बच्चे के ऊपर कोई हानि ना हो। कई लोग बोलते मेरे बच्चे के ऊपर नजर लग गया, मेरे बच्चे के ऊपर नजर लग गया, मेरे बच्चे के ऊपर वो हो गया ये हो गया। मेरे क्या भी हो गए परमेश्वर के हालेलुया जानकारी के बिना कुछ भी नहीं है, उसके आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं है। यदि प्रार्थना करने के लिए हम तैयार है तो परमेश्वर महान काम हमारे बच्चों के लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर राजा के सेवक ने आकर बोला, हे गुरु मेरा बच्चा मरने पर है, उसका ज्वर है, बुखार है, बहुत ज्यादा बुखार है, वो मरने पर है, प्रभु जल्दी से जल्दी आकर मेरे बच्चा को बचा दे। कई बार हमारे बच्चे के स्वभाव को हम देख, हम परमेश्वर के हल्ले सन्मुख में हम हालेलुया बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। कई ऐसे माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते नहीं है, बच्चों के लिए कपड़ा लेने के लिए बाजार में 5 घंटे लगने के लिए तैयार है। सभी मिलकर हालेलुया बोले, सभी मिलकर हालेलुया बोले। अपने बच्चा के लिए 5 घंटा लगाने के लिए भी तैयार है। किसका के लिए? कपड़ा लेने के लिए, रात पूरा जाग
मांगने के लिए तैयार है। यदि पेपर है तो बच्चे अच्छे नंबर में पास होना है, बच्चे का खाना बनाने के लिए बहुत टाइम लगाने के लिए तैयार है, बच्चे को बढ़िया बढ़िया स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कर्जा लेने के लिए तैयार है, बच्चा का उम्मीद के लिए क्या कुछ करना है सब कुछ करने के लिए तैयार है। उस बच्चा के लिए एक दिन उपवास करके प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, उस बच्चा का तरक्की के लिए, उस बच्चा का परमेश्वर संपर्क रखने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह उस बच्चे के जीवन में हमेशा होने रहने के लिए एक दिन अपने बच्चा का भलाई के लिए प्रार्थना के साथ उपवास के साथ परमेश्वर के सन्मुख में बिताने के लिए। कई माँ बाप के पास टाइम नहीं है। हालेलुया बहुत मेहनत है, लोग बोलते हैं बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत मेहनत है, उधर काम है, इधर काम है, उधर बिजी है, इधर बिजी है, किसके लिए? हालेलुया। एक महान, एक क्लासिकल एक स्टोरी है। मैं मेरा बचपन में स्कूल में पढ़ा था, एक क्लासिकल स्टोरी है। उस स्टोरी ऐसे है, उस कहानी ऐसा है, दो लोग थे, बहुत प्यार करते थे आपस में, एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को बहुत प्यार करते थे, और अपने जीवन में क्या कुछ भी करने के लिए, दूसरे के लिए करने के लिए दोनों चलते थे, उतना उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम थे। और इनके पास जो वाइफ है, वाइफ के पास बहुत अच्छे बाल थे, लंबे लंबे बाल थे, बहुत अच्छे बाल है, और ये कई बार ये बोलती थी, यदि मेरे को अच्छा क्लिप है तो मैं उसको बढ़िया दिन से मेरे बाल को बनाकर रखना है। फिर हमारा हालत ऐसे है, इसलिए वो क्लिप लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है, वो क्लिप लेना है बहुत महंगे क्लिप में चाहती हूँ, हाले लिया सोने और उसमें मोतियां लगाकर जो होते हैं उस हाले लिया क्लिप को मैं चाहता हूँ, तो मेरा बाल बहुत सुंदर लगता था। कई बार वाइफ ने हस्बैंड से ये बात बोलते थी, प्यार से, जरूरत नहीं है तुम मुझको लेकर दे दो, ऐसा नहीं है, अपने मन की इच्छा है, तो कई बार ऐसे शेयर करती थी। इस हस्बैंड के पास भी ऐसा एक चीज थे, एक घड़ी थी, वो घड़ी का स्ट्रैप नहीं था, सिर्फ वो घड़ी थी, उसको बांधने के लिए स्ट्रैप नहीं था, वो भी बहुत महंगा एक घड़ी थी। उस घड़ी को उसके दादा परदादा से उन्होंने रखे होते हैं, क्योंकि उतना महंगे है, और हस्बैंड भी ये बोलता था, यदि अच्छा एक स्ट्रैप मिले तो बढ़िया दिन से इसको मैं पहन सकता था। दोनों चलते थे, हस्बैंड चलते थे, मेरे वाइफ को एक अच्छा हाल इलेक्ट्रिक मिले तो बहुत अच्छा होना था, और वाइफ भी चलती थी, मेरे हस्बैंड के लिए एक सोने का महंगा एक स्ट्रिप मिले तो बहुत अच्छा होना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक घड़ी को हाले पहनना था। ऐसे कई दिनों बीत गया। एक दिन हाले लिया अपना पत्नी का वाइफ का बर्थडे आया, बर्थडे के लिए गिफ्ट देना है, तो कौन सी गिफ्ट दे। ये हस्बैंड ने सोचने लगा, मैं मेरे वाइफ के लिए ऐसा गिफ्ट दूं कभी भी वो ये भूल ना सके, तो बहुत बार सोचा। इसके पास हालेलुया उतना बढ़िया चीज से लेने के लिए इसके पास पैसा भी नहीं था। इसने सोचे, लास्ट में इसके मन में आया, मेरे पास से तो एक गाड़ी पड़ा है, ये इसको पैसे लेकर क्या करना, इसको मैं बेचकर मेरे वाइफ के लिए सोना और मोतियों से हालेलुया सजा हुआ उस क्लिप में लेकर दूं, क्योंकि मेरा हालेलुया वाइफ बहुत खुश हो जाएगी, किसी ना किसी के लिए वो काम आएगा। इस व्यक्ति ने घड़ी का दुकान में गया, उसने बहुत महंगे में ये घड़ी को बेच दिया और
सोने के दुकान में जाकर बहुत बढ़िया एक क्लिप लिया अपना पत्नी के लिए। ये बहुत खुश हो गया, मेरा पत्नी आज बहुत आनंदित हो जाएगी एक क्लिप को देखकर, क्योंकि वो इतना सालों से उनका मन में यही इच्छा थे। हालेलुया, एक सोना मोती से सजा हुआ एक क्लिप के लिए बहुत खुश हो गया। और एक वाइफ ने ये सोचने लगी, मेरा बर्थडे है, मेरे हस्बैंड को मैं कौन सी गिफ्ट दूं, मुझे बहुत प्यार करता है मेरा हस्बैंड, मैं क्या करूं। तो करते 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 कुछ भी रात पर नहीं निकल रहा है। उसने सोचने लगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं मेरे बाल को काट कर मैं उसको तोड़कर बेचूंगी, ये बहुत लंबे हैं, बहुत मोटे हैं, इसको बहुत पैसा मिलेगा, ये पैसा लेकर मैं मेरे पति के लिए एक स्ट्रैप लेकर दूंगी। वो भी दुकान में चला गई, अपने बाल को पूरा कटवा लिया और तोड़कर बेच दिया। और सुनहरे का दुकान में जाकर बिटिया एक हाल ले लिया, स्ट्रैप लिया अपना हस्बैंड के लिए घड़ी में लगाने के लिए। दोनों हालेलुया सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए दोनों अपने आप हालेलुया आ गया। शाम के समय आ गया, शाम के समय हस्बैंड काम करकर घर में आ गया। हस्बैंड बहुत खुश था, उसके चेहरे को देखकर वाइफ ने बहुत आनंद हो गया, आज मेरा हस्बैंड बहुत खुश है। हालेलुया, वो खुशी डबल हो जाएगा जब मैं उसको गिफ्ट दूंगी। और ये हस्बैंड ने ये सोचा, मैं मेरा वाइफ ने बहुत खुश है, हालेलुया, उसका आनंद डबल हो जाएगा जब मैं उसको हालेलुया गिफ्ट दूंगा। दोनों ने बोला हालेलुया। ये वाइफ ने अपना हालेलुया स्कार्फ से हालेलुया चुन्नी से अपना सिर को हालेलुया बांध कर रखी थी, ये पता ना चले मैं अपने हस्बैंड को मैं बाल कटवा दिया। और उसने बहुत खुश हो गया, मैंने बोला हस्बैंड ने बोला मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। वाइफ ने बोले अच्छा, मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आई। दोनों बोले अच्छा, आप भी गिफ्ट लेकर आया, मैं भी, ओके आप हालेलुया, ओके गिफ्ट चेंज करेंगे। गिफ्ट दोनों लिया, दोनों गिफ्टों को देकर रोना शुरू हो गया। हालेलुया, जिस बाल के लिए लेकर आया हालेलुया क्लिप बाल नहीं है, बिना बाल में वो क्लिप का क्या जरूरत है। और उस ट्रैप को देकर घड़ी नहीं तो उस ट्रैप का क्या जरूरत है। फिर आशीष हम इस कहानी हालेलुया हमें बहुत कुछ बातें हमें सिखाते हैं, हमारे बच्चों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। हम दिन से सुबह से लेकर शाम तक हमारे बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हमारे बच्चों के लिए। एक दिन प्रार्थना के साथ बवास करने के लिए हम कितने लोग तैयार होते हैं, बच्चों के कपड़ा लेने के लिए, अच्छा स्कूल में एडमिशन लेने देने के लिए उनका हाल लिया हम वो चाहते हैं। मेरा बच्चा स्कूल में फर्स्ट आए, बच्चे का हाल मार्क लिस्ट में अच्छा नंबर आए, हम ये नहीं चाहते हैं परमेश्वर के सम्मुख में मेरे बच्चे का हालेलुया आत्मिक ग्रेड कार्ड अच्छा होवे। हालेलुया, इधर इस बाप ने प्रार्थना किया, प्रार्थना क्या किया, योहन्ना सुसमाचार 46 उसने प्रार्थना किया, आप आकर मेरे बच्चे को छटका करें, वो मरने पर है, वो मरने पर है। मेरे आशीषों हमारे सामने कई बार हालेलुया कई बातें हमारे बच्चों के जीवन में होने के वक्त में हम चुप रहते हैं, आंखें बंद करते हैं, हालेलुया वो बच्चों का पूरा मौत का कारण हो जाते हैं। हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करना हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर जा रहे थे हालेलुया कालवरी के ओर जा रहे थे, और यरूशलेम के स्त्रियों ने हालेलुया छाती पीट पीट कर रोने लगे। उस समय हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने बोला हालेलुया, हे स्त्रियें मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए रो। हम तब रोते हैं जब बच्चा फंस गया या कुछ ऐसे बातों में होने के रूप में
परमेश्वर के हजूर में प्रार्थना के साथ रोने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होते हैं। हालेलुया। ओके, मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। 50 पढ़ने के वक्त में आयत 50 उधर परमेश्वर का काम हमको देखने के लिए मिलता है। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। आमेन। प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर उत्तर देता है। प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर हालेलुया चमत्कार करता है। इस व्यक्ति ने आकर क्या बोला, मेरा बच्चा मरने पर है, पर यीशु मसीह ने बोला ना, नो, तुमने मुझसे प्रार्थना किया है, अभी सारे का मेरा है, मेरा है, मैं करूंगा। हालेलुया। तेरे पुत्र 51 पढ़ना। को मात में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम हमारे बाल बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे आंसू हम हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। हम एक साइड में, हालेलुया, जब उस व्यक्ति ने राजा का दास ने प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख में प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे जगह में परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कार्य काम कर रहा है। हम हालेलुया परमेश्वर के हजूर में हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। हमारे बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, परमेश्वर हमारे लिए महान काम करने के लिए तैयार है। जब हालेलुया हम प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर का काम हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे पड़ोसी के ऊपर, हमारे रिश्तेदार के ऊपर हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। यदि हम प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन के आधार पर चलने के लिए यदि हम चाहते हैं तो परमेश्वर महान काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो मरने पर है, राजा का दास है, दास के बच्चा है। राजा के दास ने सारे बहुत वैद्यों को, डॉक्टरों को दिखाया होगा, मेरे बच्चा को बचा दे। हालेलुया। सारे लोगों ने जवाब दिया, मेरे पर प्रभु यीशु मसीह के पास जब आकर उन्होंने प्रार्थना किया, तुरंत हालेलुया उत्तर मिल गया। यदि हालेलुया हम प्रार्थना करने के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर महान काम करने के लिए तैयार है। आइए हम हाथों में बिंद करें, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, उपवास का प्रार्थना। हालेलुया। हम इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हालेलुया, हमारे रिश्तेदार के पड़ोसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आज हालेलुया इसके लिए परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना किया, इसके आकर प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया अपने के लिए। हालेलुया। हमने प्रार्थना किया, खुद प्रार्थना किया परमेश्वर ने, हालेलुया प्रार्थना को सुनकर 15 साल उनका आयु बढ़ा दिया। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए फास्टिंग करके, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सन्मुख में टाइम बिता दे। परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन में महान काम करने के लिए चाहते हैं, महान काम करने के लिए चाहते हैं परमेश्वर, हमारे बच्चों के ऊपर महान काम करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया हमारे ऊपर, हालेलुया बड़े बड़े काम करने के लिए, हमारे परिवार में बड़े बड़े काम करने के लिए, हमारे बाल बच्चों में बड़े बड़े काम करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों के बारे में, अपने हालेलुया बच्चों के बारे में, जो लोग हालेलुया हालेलुया टेंशन में है, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, यदि प्रार्थना के लिए तैयार है तो, यदि प्रार्थना के लिए तैयार है तो आप चाहते हुए रात में ही हालेलुया आपको उत्तर मिलेगा, जो दुख को आपको आनंद बनाएंगे। आमेन। 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 रात में आपको पता चल जाएगा, हालेलुया दुख को हालेलुया आनंद में बदल लेगा। इन प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस उदर अवसर के लिए। प्रभु हमारे अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर तू है। प्रार्थना में खुदा हमारे लिए उत्तर देता है। प्रभु हालेलुया हमारे बहुत सा प्रार्थना आपने सफल कर दिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ रहे पिता, और मुझ पर उम्मीद रखकर प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए आप हमें मात्र सहायता करना। धन्यवाद करते हैं।